शर्म नहीं आता वीडियो का पूरा मजा लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब करो और जो भी नहीं करेगा ना कौन है हम कहां से आए हैं हम क्या बंदर में से इंसान बना क्या एलियन में से इंसान बना क्या ये सवाल आपको भी रात को सोने नहीं देते तो आप सही जगह पर आए हैं माई नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आज के वीडियो में देखेंगे हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक ह्यूमन एवोल्यूशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो सकता है बहुत डिफिकल्ट हो सकता है याद रखने के लिए बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कीप इट सिंपल एंड इंटरेस्टिंग तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के कहानी शुरू होती है सात करोड़ साल पहले सेवन करोड़ इयर्स अगो ऐसा माना जाता है कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड अर्थ पे गिरा एंड बिकॉज ऑफ दैट द लास्ट डायनोसोर जो बचे हुए थे वो खत्म हो गए एक्सटिंक्ट हो गए ठीक है इसी टाइम पे शुरू लाइक एनसेस्टर्स ये इमेज में आपको दिख रहा है एक छोटा चूहे जैसा एनिमल है इसको बोलते हैं शुरू ऐसा माना जाता है शुरू लाइक एंसेस्टर्स में से मंकी लाइक एनिमल्स बने होंगे सात करोड़ साल पहले तो ये अपने स्टोरी का बिगनिंग है स्टार्टिंग पॉइंट मंकी लाइक एनिमल प्रोड्यूस हुए सेवन करोड़ इयर्स अगो चलो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड आगे जाते हैं अब बात है चार करोड़ साल पहले की फोर करोड़ इयर्स अगो इन अफ्रीका ये जो मंकी लाइक एनिमल्स थे उनका टेल डिसर होने लगा सो व्हाट हैपन मंकी लाइक एनिमल्स स्टार्टेड टू बिकम एप लाइक एनिमल्स सबसे बड़ा डिफरेंस मंकी और एप में क्या है मंकी के पास टेल होती है एप के पास टेल नहीं होती है आर यू अंडरस्टैंडिंग सो हियर है टेल ऑफ दीज मंकी लाइक एनिमल्स डिस एट द सेम टाइम इनका ब्रेन भी एनलार्ज हुआ इनका इंटेलिजेंस थोड़ा बड़ा होगा इनके हैंड्स इंप्रूव होने लगे तो ये सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे थे राइट right? और ये जो एनिमल था इसका नाम है इजिप्टोपिथिकस नाम थोड़े डिफिकल्ट है प्लीज नोट डाउन करते जाओ इजिप्टोपिथिकस ओके okay, तो बच्चों इस वीडियो में मैंने एक थोड़ा ट्विस्ट कुछ अलग किया है हमने यहां पे एक टाइमलाइन बनाई है ह्यूमन टाइमलाइन तो जैसे जैसे एक एक इवेंट होगा हम इस टाइम में एड करते जाएंगे ठीक है तो एक बुक ले लो एक पेन ले लो साथ में लेके बैठ जाओ एंड नोट डाउन करते जाओ तो ये आंसर पढ़ने में बहुत इजी होगा ठीक है तो सबसे पहले सात करोड़ साल पहले क्या हुआ डायनासॉर्स डिसअपेयर हो गए एंड मंकी लाइक एनिमल्स बने थे ठीक है फिर फोर करोड़ इयर्स अगो व्हाट हैपन टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल्स डिसअपियर हो गए एंड इजिप्टोपिथेकस बना था यहां तक ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड आगे जाते हैं Now, two crore years ago, ध्यान से सुनना भाई क्या डिफरेंट वे ये, ये जो एप लाइक एनिमल्स थे वो थोड़ा अलग तरीके से इवॉल्व होने लगे उस टाइम पे क्या हुआ अफ्रीका में बहुत क्लाइमेट चेंज आया एक बड़ा क्लाइमेट चेंज आया ड्राई क्लाइमेट हो गया बहुत जो फॉरेस्ट थे वहां पे वो फॉरेस्ट कम होने लगे एंड बिकॉज ऑफ दैट दे स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड ये जो एप्स थे ना उनको जमीन पे रहना पड़ता था वहां पे ग्रास लैंड होते थे घास होती थी तो मुझे एक बात बताओ अगर ये एप ऐसा झुक के चलेगा तो उसको दूर से आने वाले एनिमल्स कोई बड़े बड़े प्रेडेटर हैं वो दिखेंगे नहीं तो ये एनिमल्स ये एप धीरे धीरे सीधा खड़ा रहने लगे सो वॉट हैल कॉलम है उसका जो लोअर पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं लुम्बार बोन्स तो इनके लुम्बार बोन्स में डेवलपमेंट आई एंड धीरे धीरे इनका पॉस्चर इरेक्ट होते गया ये लोग सीधा खड़ा रहने लगे एकदम सीधा खड़ा नहीं रहते थे बट धीरे धीरे देवर स्टार्टिंग टू बिकम इरेक्ट देर हैंड्स बीकेम अवेलेबल फॉर यू अभी वो लोग सीधा खड़ा रहते हैं तो उनके हैंड्स अवेलेबल हो गए कुछ भी चीज उठाने के लिए कुछ खाने के लिए किसी को मारने के लिए ओके तो ये जो एप था टू करोड़ ईयर्स अगो इसका नाम है ड्रायोपिथिकस पहले कौन आया इजिप्टोपिथिक्स टू करोड़ ईयर्स अगो ड्रायोपिथिक्स अभी ऐसा मानते हैं कि ये जो ड्रायोपिथिकस है ही इज द कॉमन एंसेस्टर ऑफ अदर एप्स एंड ह्यूम मतलब जो चिंपांजी चिंपां है ना ये लोग भी ड्रायोपिथेकस में से इवॉल्व हुए हैं एंड ह्यूमंस भी ड्रायोपिथेकस में से इवॉल्व हुए हैं एंड इनको नकल वॉकर्स भी कहा जाता था आपको ये इमेज में दिख रहा है वो नकल्स पे चल रहा है राइट तो यहां तक की कहानी समझ में आई है आगे जाते हैं अब आते हैं वन करोड़ इयर्स अगो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गया वॉट हैपन एक करोड़ साल पहले जो एनिमल था ना ही वॉज कॉल्ड एज रामापिथिकस एंड ये रामापिथिकस वॉज मोर ह्यूमन लाइक एंड लेस एप लाइक मतलब इसके कुछ कैरेक्टर्स इंसान के जैसे थे सो कैन वी से ही इज द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल राइट And ये रमापिथिकस का जो फॉसिल्स था वो हमें मिला था फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका एक और बात इसका फॉसिल्स इंडिया एंड पाकिस्तान में भी मिला है इंडिया में शिवालिक माउंटेन रेंज है तो वहां फॉसिल्स मिला सो रमापिथिकस का एक और नाम है शिवापिथेकस, शिवाज एप तो स्टोरी समझ में आ रही है थोड़ी चलो थोड़ा और आगे जाते हैं एक स्टेप और आगे नाउ कम 40 लाख ईयर्स अगो अब क्या हुआ ना जो एप था उसका साइज और बड़ा वो थोड़ा और इरेक्ट हुआ उसका ब्रेन और डेवलप हुआ वो इंटेलिजेंट होते गया राइट सो द एप ऑफ साउथ अफ्रीका इवॉल्वड इसका फॉसिल्स मुझे कहां मिला होगा साउथ अफ्रीका में दैट इज व्हाई द नेम इसका एक और पॉपुलर नेम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस बच्चों इसका ऑस्ट्रेलिया से कुछ भी लेना देना नहीं है सिर्फ नाम है ऑस्ट्रेलोपिथिकस ऑल्सो कॉल्ड एज एप ऑफ साउथ अफ्रीका समझ में आ रही है बात ठीक है तो यहां तक की कहानी एक बार क्रोनोलॉजी में देख लेते हैं टू करोड़ इयर्स अगो कौन आया था भाई ड्रायोपिथिकस ही स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड एंड उसका पॉस्चर थोड़ा थोड़ा इरेक्ट होने लगा था देन वन करोड़ ईयर अगो कौन आया था रमापिथिकस एंड ही इज द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक इंसान के जैसा था ठीक है फिर आते हैं 40 ,00 years ago. यहां पे कौन बना था ऑस इसमें क्या था इसका साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा था ये थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट था एंड ही वॉज कॉल्ड एप ऑफ साउथ अफ्रीका यहां तक समझ में आया चलो थोड़ा और आगे जाते हैं तो बच्चों आ जाते हैं ट्वेंटी लैख इयर्स अगो अभी ये जो बंदा आपको दिख रहा है ही इज माई फेवरेट ही इज द स्किल्ड ह्यूमन इसके और भी नाम थे इसको टूल मेकर बोलते थे हैंडीमैन बोलते थे इसने पहली बार स्टोन के टूल्स बनाने स्टार्ट किए छोटे छोटे एरोज बनाता था, था राइट इसका ब्रेन और थोड़ा डेवलप हुआ इसमें थोड़ी और इंटेलिजेंस आई इस भाई साहब का नाम था होमो हैबेलिस अपना साइंटिफिक नेम क्या है होमो सेपियन सो दिस गाय वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप होमो अब यहां से इंसान की असली बिगिनिंग हुई आर यू अंडरस्टैंडिंग होमो हैबेलिस ट्वेंटी लाख ईयर्स अगो चलो थोड़ा और आगे जाते हैं राइट सो फिफ्टीन लैख ईयर्स अगो आया ह्यूमन वॉकिंग विद अ इरेक्ट पॉस्चर अभी ये जो ह्यूमन था वो पूरी तरह सीधा खड़ा रह सकता था एंड चलो ह्यूमन तो बन गया अभी ये बंदा अफ्रीका के बाहर निकला ये चाइना में गया एशिया में गया थोड़ा थोड़ा इंडोनेशिया भी गया यूरोप में भी गया वहां पे इनके फॉसिल्स मिले हैं सो so ऐसा माना जाता है कि ही मे हैव एग्जिस्टेड इन चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट ठीक है और इस बंदे का नाम था होमो इरेक्टस बहुत सिंपल नाम है ये सीधा खड़ा रहता है इरेक्ट खड़ा रहता है सो so, उसका नाम था होमो इरेक्टस याद रखना 15 लाख ईयर्स अगो ठीक है थोड़ा और आगे जाते हैं नाउ द इवोल्यूशन ऑफ द अपराइट मैन कंटिन्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग इट्स ब्रेन उसका ब्रेन और डेवलप होने लगा उसके स्ट्रक्चर्स में चेंज आने लगे उसका हाइट थोड़ा बढ़ने लगा राइट right? उसके जो टूल्स थे ना स्टोन के वो और अच्छे बनने लगे उसने फायर भी डिस्कवर की खाना पका के खाता था तो उसका ब्रेन का डेवलपमेंट और फास्ट होने लगा आर यू फॉलोइंग चलो आगे देखते हैं नाउ 1.5 टू 1 टू इयर्स लैक आया हमारा प्यारा नियंडरथल थाल मैन इतना फेमस है कि इसका नाम आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुना है राइट right?

वन टू वन पॉइंट फाइव लैख ईयर्सो आया नियर थाल मैन यहां तक ठीक है चलो क्रोनोलॉजी देख लेते हैं फटक से सो so, आज से ट्वेंटी लैख ईयर कौन आया होमो स्किल्ड ह्यूमन स्टोन के टूल्स बनाता था फिर 15 लाख ईयर्स अगो आया होमो इरेक्टस द ह्यूमन हु कुड स्टैंड इरेक्ट एंड वो कहां पहुंच गया था चाइना इंडोनेशिया यूरोप भी थोड़ा पहुंच गया था ठीक है फिर आते हैं वन टू वन पॉइंट फाइव लैख हमारा प्यारा थाल मैन द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइज मैन यहां तक कहानी समझ में आ रही है तो चलो थोड़ा और आगे जाते हैं नाउ फिफ्टी थाउजेंड ईयर्स अगो आया क्रो मैगनियन मैन ये बहुत ज्यादा एडवांस था एकदम सीधा खड़ा रहता था इसका ब्रेन अपने ब्रेन से भी बड़ा था ऐसा मानते हैं राइट and the cro-magnon man evolved and afterwards the evolution has been very 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 fast in fact aisa mante hain ki he is the closest relative of modern man theek hai to तो 50000 years ago aaya bhai cro-magnon man उसके बाद टेन थाउजेंड ईयर्स अगो एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया खेती बाड़ी स्टार्ट हो गई पशुपालन भी स्टार्ट हुआ भेड़ बकरियां, काउस बफेलोस ये सारी चीजें भी इंसान पालने लगा मैन स्टार्टेड टू रेयर कैटल होर्ड्स एंड एस्टेब्लिश सिटीज सिटीज बनी गांव बनेट ऑफ राइटिंग वॉज इन्वें सबसे पुराना सिविलाइजेशन है मेजोपोटेमियन सिविलाइजेशन उन्होंने सबसे पहला राइटिंग इन्वेंट किया था उसके बाद इजिप्शियन सिविलाइजेशन आया ये सारे सिंबल्स दिख रहे हैं आपको अपने द मम्मी मूवी देखा है उसमें ये सारे सिंबल्स दिखते हैं राइट सो द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज इन्वेंटेड तो यहां तक का क्रोनोलॉजी अभी तो बहुत सिंपल है कुछ भी नहीं है फिफ्टी थाउजेंड ईयर्स अगो क्रो मैगन मैन आया द क्लोजेस्ट रिलेटिव टू मॉडर्न मैन एंड चलो थोड़ा आगे टेन थाउजेंड ईयर्स अगो एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया सिटीज एस्टेब्लिश होने लगी गांव बनने लगे पशुपालन भी चालू हो गया था ठीक है फिर आते हैं फाइव थाउजेंड अगो द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज इन्वेंटेड पहली बार इंसान ने लिखा एंड वहां से हिस्ट्री स्टार्ट हुई ठीक है फिर आते हैं चार सौ साल पहले फोर अगो मॉडर्न साइंस इवॉल्व हुए न्यूटन न्यूटनियो डाविची और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे मेंडल बिकॉज ऑफ साइंटिस्ट एंड उनका डिस्कवरीज मॉडर्न साइंसेस चालू हो गए एंड फिर एकदम नजदीक आ जाते हैं टू हंड्रेडो नॉट करोड़ टू हंड्रेडो इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी एस्टेब्लिश हो गई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा ये वही है एंड बिकॉज ऑफ दैट मैक्सिमम पॉल्यूशन हो रहा है वो अलग बात है बट नाउ वी आर लिविंग इन द फ्यूचर तो ये बहुत लंबी जर्नी थी भाई दो करोड़ साल लंबी जर्नी थी ड्रायोपिथेकस से लेके मैन एंड उसके बाद मॉडर्न मैन तक ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सिंपल लगा है तो प्लीज लाइक करो शेयर करो अपने दोस्तों तक पहुंचाओ सब्सक्राइब भी करने बोलो अच्छा वीडियो के एंड में समर ही नहीं है बट ये जो पूरा टाइमलाइन था इसका पीडीएफ है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है आई रिपीट टाइमलाइन का पीडीएफ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है डाउनलोड कर लो लिख लो बहुत इजी हो जाएगा आंसर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है राइट एंड एज यूजुअल थैंक यू वेरी मच